बच्चों क्वेश्चन क्या था देखिए, मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और मैं उसी हिसाब से डायग्राम बना रहा हूँ और मैं क्वेश्चन दोबारा लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। इफ ट्रेंगल ओ ए बी, एक ट्रेंगल है ओ ए बी, ये भी हमने एक ट्रेंगल बना लिया ओ ए, सॉरी आपको ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज ने बोला है नंबरिंग करने के लिए, तो आप एंटी क्लॉकवाइज ही नंबरिंग करिए, ओ ए बी, क्लियर है बेटा। अब आपसे बोला गया है ओ ए बी एक ट्रेंगल है, ठीक है, पी डिवाइड्स ओ बी इन द रेशियो, पी डिवाइड्स ओ बी, ओ बी को पी डिवाइड्स कर रहा है 1:2 के रेशियो, 1:2 के रेशियो, ये आपका पॉइंट पी हो गया। एंड क्यू डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:1, 2:1, ए बी को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इफ ओ क्यू एंड पी ए इंटरसेक्ट एट आर, ये पॉइंट ओ है और ये क्यू है, ओ क्यू एंड पी ए, ओ क्यू एंड पी ए इंटरसेक्ट आर, ये आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों, देन फाइंड द पोजिशन वैक्टर ऑफ आर इन द टर्म्स ऑफ पोजिशन वैक्टर ऑफ ए, ए का पोजिशन वैक्टर ए वैक्टर दिया हुआ है और बी का पोजिशन वैक्टर बी वैक्टर दिया हुआ है, क्या यहां तक क्लियर है क्या? वेयर ओ इज द ओरिजिन, और ओ इज द ओरिजिन मीन्स ओ को आप जियो वैक्टर भी को, बोलो रिद्धि यहां तक क्लियर है? यस सर। अब हम यदि यहां पर ओ क्यू और पी आर, पी ए इंटरसेक्ट आर पे कर रहा है तो अपन क्या करेंगे, यहां पर इसको आप 1:2 क्या मान ले, लेमडा या म्यू मान ले, कुछ भी मान लेते हैं, इसको आप 1:2 म्यू मान लो और इसको 1:2 लेमडा मान लो, मान लेते हैं भाई। अब हमें ये पता चल जाए, यदि 1 और लेमडा और 1 या म्यू की वैल्यू पता चल जाए तो हमें जो बोला गया वेक्टर आर इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी में हो, क्लियर हो जाएगा, बोलो बेटा। अब आप क्या करोगे, आप पहले पी वेक्टर, पी पॉइंट का वेक्टर निकालोगे और क्यू पॉइंट का वेक्टर निकालोगे, तो क्या करोगे बच्चों, पी वेक्टर कितना आ जाएगा बोलो बेटा, पी वेक्टर इक्वल टू यहां पर जीरो वेक्टर और यहां पर बी वेक्टर है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, पी इंटू जीरो, ऐसे करोगे या नहीं, क्या करते हैं हम यहां पर 1 × b वेक्टर, ऐसे करते हैं ना, बोलो बच्चों 1 × b वेक्टर प्लस 2 × 0 वेक्टर, 2 × 0 वेक्टर अपॉन m प्लस n, हेंस 2 + 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों यहां से, p वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर अपॉन 3। अब क्या करोगे, q वेक्टर आपको निकालना है, q वेक्टर आप निकाल लो, q वेक्टर ऐसे ही निकालोगे आप 1 × a वेक्टर, 1 × a वेक्टर प्लस 2 × b वेक्टर अपॉन 1 + 2 हेंस 3, क्लियर है क्या? तो यहां से q वेक्टर आ गया आपका a वेक्टर प्लस 2 b वेक्टर अपॉन 3, क्लियर है बेटा? यस सर। यहां तक यदि आपको क्लियर हो गया, अब क्या पूछा गया है, अब r वेक्टर, यदि आपको p वेक्टर और q वेक्टर, a वेक्टर, o वेक्टर पता है तो आप r वेक्टर भी निकाल सकते हो क्या, बोलो बेटा, r वेक्टर 1:2 लैम्डा के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो r वेक्टर लिखा निकलिए आप, r वेक्टर पहले क्या करोगे, 1:2 लैम्डा वाला निकाल लो और एक बार 1:2 म्यू वाला निकाल लो, ठीक है, तो यहां से r वेक्टर 1:2 लैम्डा वाला निकालोगे तो q इंटू 1, तो q यहां से कितना है, a वेक्टर प्लस 2 b वेक्टर अपॉन 3 इंटू 1 प्लस लैम्डा इंटू 0 वेक्टर, ऐसे करोगे क्या, बोलो बेटा, अपॉन क्या करोगे, क्या आएगा बच्चों यहां पर, लैम्डा प्लस इक्वल टू r वेक्टर, यहां से कितना आ रहा है कुछ आपका इस टाइप का दिखेगा क्या, a वेक्टर प्लस 2 b वेक्टर अपॉन 3 लैम्डा प्लस 1, आप इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट बना, ठीक है। अब आप 1 और म्यू वाले से निकाल लीजिए r वेक्टर, एक बार r वेक्टर 1 और म्यू से निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 1 × a वेक्टर, क्लियर बेटा, प्लस म्यू इंटू पी वेक्टर, पी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर अपॉन 3, एंस म्यू
पी वेक्टर अपॉन थ्री अपॉन वन प्लस, क्या ये भी बात क्लियर है? बोलो बेटा, इसको आप इक्वेशन नंबर टू मान लो। अब देखिए आर वेक्टर तो दोनों एलएचएस सेम है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यदि एलएचएस सेम होगा तो आरएचएस भी दोनों का क्या हो जाएगा, सेम कर दोगे आप। तो यहां से क्या जाएगा, ए वेक्टर प्लस टू बी वेक्टर अपॉन थ्री लेमडा प्लस वन इक्वल टू ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर अपॉन थ्री अपॉन वन प्लस म्यू वेक्टर। क्या बात क्लियर है? बोलो बच्चों, अब क्या करोगे, यहां से अब क्या करोगे, ए वेक्टर का अलग कर लोगे और बी वेक्टर को थोड़ा सा सेपरेट करिए, तो यहां से ए वेक्टर में क्या आ जाएगा, थ्री लेमडा प्लस वन आ जाएगा प्लस टू अपॉन लेमडा प्लस वन बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन वन प्लस म्यू अपॉन थ्री वन प्लस म्यू बी वेक्टर। अब यहां से बेटा ए वेक्टर जो सेम है इक्वल टू में दिया हुआ, तो इनका जो कोफिशिएंट है वो भी सेम होगा, तो क्या जाएगा यहां से, बोलो बच्चों, वन अपॉन थ्री लेमडा प्लस वन इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस म्यू। क्या बात क्लियर है? बोलो बच्चों, यहां से क्वेश्चन नंबर थर्ड मान लीजिए आप, और सेकंड जब बी के कोफिशिएंट इक्वल करोगे तो टू अपॉन लेमडा प्लस वन इक्वल टू म्यू अपॉन थ्री वन प्लस म्यू आ जाएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ से आपको लेमडा और मी में सर बोलो, यहाँ पर आपने जो थर्ड वाली इक्वेशन के पहले वाला स्टेप किया सर, उधर थ्री इंटू लैम्ब्डा प्लस वन नहीं आएगा टू के डिनोमिनेटर में से, टू के डिनोमिनेटर में हाँ बेटा, यहाँ तो थ्री आएगा ही आएगा ना। हाँ सर, हाँ तो यहाँ पर कहाँ करना पड़ेगा, यहाँ पर करना पड़ेगा ना, क्लियर है? बोलो बेटा, यस। अब आप यहाँ से लैम्ब्डा और म्यू की वैल्यू निकाल लोगे, और लेमडा और म्यू की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, निकाल के बताइए, हेंस म्यू इक्वल टू साइज सिक्स आ रहा है, देखो आप निकाल के, और तो यहां से म्यू इक्वल टू सिक्स आ गया है, तो यहां पर आपको म्यू की जरूरत इसमें आप रख दो, म्यू की वैल्यू रख दोगे तो ए बी के फॉर्म में आ जाएगा क्या आर वैक्टर, बोलो बच्चों, आर वैक्टर इक्वल टू ए वैक्टर प्लस सिक्स बी वैक्टर अपॉन थ्री प्लस वन प्लस सिक्स, Hence, कितना आ जाएगा यहां से, ए वेक्टर प्लस टू बी वेक्टर अपॉन सेवन, यही आपका आर वेक्टर पूछा गया है, क्लियर है बेटा? Yes. आप यही आपका पूछ रहे, नोट कर लो। इसी तरह का क्वेश्चन कभी कभी पैरेललोग्राम आपको दिखेगा, तो पैरेललोग्राम में भी आपको ऐसे ही को सॉल्व करना है, ठीक है? सर वैल्यू कैसे आई आपकी म्यू की सर, यहां पर आप दो इक्वेशन दो अननोन दिया हुआ है, सॉल्व करो आप, यहां पर लैम्ब्डा और म्यू अननोन है और दो इक्वेशन दो अननोन, आप सॉल्व करिए, आप लैम्ब्डा और म्यू का वैल्यू निकालिए, ठीक है? ओके सर, उस खुद कुछ कर लिया करो, ठीक है? कभी कभी आप भी कुछ कर लिया करो, लीजिए स्क्रीनशॉट या नोट करिए जल्दी, फिर मैं नेक्स्ट देखता हूँ, एक मिनट सर। बेटा आप लोग जब होमवर्क पूछते हो डाउट पूछते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ताकि मुझे लगता है कि आप लोगों ने ट्राई तो किया है, एटलीस्ट होना ना होना ये बात की बात है, पहले आप लोग ट्राई करना सीखिए, समझ आ रहा है ना, और यदि आप ट्राई नहीं करेंगे तो चीजों को पता कैसे चलेगा।
ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। कल अपन लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट थोड़ा सा पढ़ लिया था, क्या जानकारी ले लिए था? बोलो बच्चों। यस। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हमने ले लिया था। अब देखते हैं क्या होगा। हमने आपको ये भी बताया था, यदि ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है बच्चों, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। मतलब ए क्रॉस बी आप कैसे करोगे, ये आप मान लीजिए ओरिजिन है, यहां से ए वेक्टर ए और यहां से बी वेक्टर बी, आप यहां पर ए क्रॉस बी ऐसे जाए, इसका जो डायरेक्शन वेक्टर आएगा यूनिट वेक्टर एन कैप ऐसे रहेगा। और यदि आप यदि यहां से ए क्रॉस बी आपने क्या किया, जो एन कैप है वो जो प्लेन है, जो पेपर का जो पेज है, आप जो पेज जिसमें आप ड्राइव कर रहे हो, तो वहां पर क्या आएगा, उसके अपवर्ड डायरेक्शन में एन कैप आएगा। जैसे ही आपने बी क्रॉस या बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू क्या जाएगा, यहां से बी वेक्टर ए वेक्टर साइन थीटा माइनस एन कैप। क्या ये कल क्लियर कर दिया था मैंने? बोलो बच्चों। यहां से आप इस पॉइंट को देखते हुए आप क्या बोल सकते हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। क्या बात क्लियर है क्या? बोलो बच्चों। ये समझा नहीं दिया था सर। हाँ तो फिर से मैं इसीलिए तो मैं ये पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर जैसे इस डॉट प्रोडक्ट जब करते थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता था यहां पर। बोलो बेटा। यस सर, होता था। अब यहां पर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आपका ए क्रॉस बी का ये वैल्यू आ रहा है और बी क्रॉस ए का वैल्यू आपका ये आ रहा है, तो क्या आपको इक्वल दिख रहा है? नहीं। तो यहां पर क्या लिख दोगे आप, ए क्रॉस बी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, या आप ये भी लिख सकते हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए। क्या बात क्लियर है? बोलो बेटा। सर उसका रीजन क्या होगा, दोनों अलग आएगा उसका? अलग बेटा देखो मैंने बताया ना, जैसे आप ए क्रॉस बी करोगे तो एवं जो डायरेक्शन उसका आएगा, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट में क्या था, डायरेक्शन भी साथ में आ जाता है, तो उसका डायरेक्शन क्या आएगा, अपवर्ड द प्लेन एवं द प्लेन आप। और बी क्रॉस ए करोगे तो क्या जाएगा, जैसे मैग्नेट इफेक्ट आपको देखो, यदि हाथ मेरा दिख रहा है क्या, मुझे नहीं पता होता है कैमरे में क्या दिखता है। सर देखो आप ऐसे करोगे बी क्रॉस ए ऐसे, तो ये देखो डायरेक्शन नीचे जा रहा है, मतलब मान लीजिए ये कॉपी का प्लेन है, और कॉपी के प्लेन जैसे बी क्रॉस ए करोगे नीचे चला जाएगा, और ए क्रॉस बी करोगे ये देखो जो थंब है आपका ये ऊपर जा रहा है। क्लियर है? यस। इसीलिए यहां पर ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है। अब क्लियर हुआ? बोलो बच्चों। यस सर। और किसी को कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यदि बेटा अभी तक हमने वेक्टर प्रोडक्ट सीख तो लिया, यदि मान लो आपसे ए वेक्टर इक्वल टू आपसे बोल दिया जाए टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस के कैप, एंड बी वेक्टर आपसे बोला जाए माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप, आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसा बोल दिया जाए और आपसे पूछा जाए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, कैसे करोगे, क्या करोगे बच्चों? आप डिटरमिनेंट बनाओगे। डिटरमिनेंट को कैसे लिखोगे, आई जे के
अब यहां पर ए वेक्टर पहले लिखोगे, ए वेक्टर के जितने आई जे के कोफिशियंट हैं उनको आप यहां पर लिख लोगे, 2, 3, -1। ए वेक्टर के कोफिशियंट आई जे के यही दिख रहा है, 2, 3, -1। एंड बी वेक्टर के कोफिशियंट क्या दिख रहा है बच्चों, -1, 1। आप इस तरह कर लोगे, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लोगे। और अब आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे, आई वेक्टर इसको हटाया, इसको हटाया, क्या करोगे, 3 × 2 − 1 × −1, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 6 + 1 − jk। इसको हटाया, इसको हटाया, 2 × 2 − 4 + 1, नहीं 4 − 1 आएगा क्योंकि माइनस माइनस तो 1 हो जाएगा ना, 4 − 1 + ए वेक्टर इसको हटाया आपने, इसको हटाया, कितना आ जाएगा, 2 × 2 − −+3। यहां से आपका बेटा कितना आ जाएगा, 7i − 3j + 5k। क्या बात क्लियर है, बोलो बेटा। यस सर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आपका ये। अब आपको कभी भी वेक्टर को प्रोडक्ट पूछा जाए तो आप ऐसे करोगे, और डॉट प्रोडक्ट मैंने बताई दी आपको, नोट कर लो। अब बेटा नेक्स्ट देखते हैं। यस सर। अब बेटा देखते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो ज्योमेट्री होती है उसका क्रॉस प्रोडक्ट में क्या यूज है ये भी देखते हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं, इसमें आप लोग लिख भी सकते हो, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्या क्लियर है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्या करोगे, फर्स्ट में देखोगे द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड, विद एडजेसेंट साइड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस मॉड ऑफ बी वेक्टर। देखते हैं, यदि एरिया पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड, आपको पैरेललोग्राम कुछ इस टाइप का दिया होगा, और यदि आपको दो एडजेसेंट साइड आपसे बता दिया गया, मान लेते हैं ये आपका बी है वेक्टर और ये ए वेक्टर साइड हो गई, ठीक है, दो एडजेसेंट साइड आपको पता चल गई, तो आपका जो इसका एरिया पैरेललोग्राम होगा क्या लिख दोगे बच्चों, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। क्या क्लियर है, बोलो बेटा। तो आप कैसे लिखोगे, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन, यहां पर डायरेक्शन नहीं होगा क्योंकि मॉड हमने लगा दिया, ठीक है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो हमने मॉड इसीलिए लगा दिया, क्लियर बच्चों। तो यहां पर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, क्लियर बच्चों।
बोलो बेटा। यस सर। आपका पैरेललोग्राम कुछ इस टाइप का दिखेगा और आपका इसका ऐसे निकाले। अब आपसे पूछा जाएगा द एरिया ट्रायंगल भी निकाल लें ऐसे। क्या है गरीब दीन द एरिया ट्रायंगल हाफ मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी विद एडजेसेंट साइड्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज कितना आ जाएगा देखते हैं। बच्चों पैरेललोग्राम बना लेते हैं पहले। पैरेललोग्राम में आपको ट्रायंगल बनाना तो कुछ सही कुछ इस टाइप का बनेगा क्या। अब यहां पर क्या है ए वेक्टर बी वेक्टर वही सेम ये पूरे का ए क्रॉस बी था हमें ट्रिंगल इसका चाहिए केवल तो कितना जाएगा एरिया हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। क्या क्लियर है बच्चों बोलो बेटा। यस यस। सर नीचे वाला वापस समझा दो बेटा। यहाँ पर द एरिया ऑफ ट्रायंगल एडजेसेंट साइड ये दो एडजेसेंट साइड में दिया हुआ है तो आप क्या पैरेललोग्राम से समझते हैं। पैरेललोग्राम के एरिया क्या था मॉड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब बेटा क्या किया हमने इसमें आप ट्रायंगल बना लिए तो यहाँ पर ए टू ए वन मतलब पैरेललोग्राम क्या कर दिया दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हमें ए वन और ए टू इक्वल है यहाँ पर तो क्या आ जाएगा भैया हमें ट्रायंगल के एरिया चाहिए तो मतलब क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ हो जाएगा बोलो। यस सर मतलब सर जब तभी होगा ना जब ए वन और ए टू इक्वल हो गए। हाँ बेटा नहीं बेटा तो आपको क्वेश्चन में ही दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में ए वन ए टू से मतलब नहीं होगा आपको ऐसे बोल दिया जाएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विद एडजेसेंट साइड आपको दे दिया जाएगा तो आप क्या लिखोगे। मैंने समझाने के लिए यहाँ पर पैरेललोग्राम समझाया है और आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन ही सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है। आपसे क्वेश्चन में आएगा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद एडजेसेंट साइड ए वेक्टर इक्वल टू कुछ दिया रहेगा बी वेक्टर इक्वल टू कुछ दिया रहेगा और आपको एरिया फाइंड आउट करना होगा ट्रायंगल का तो आप क्या करोगे ए इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर है प्रथम। यस सर क्लियर। अब बेटा नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा फर्स्ट वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव A vector cross B vector does not equal to B vector cross A vector. Clear है बेटा बोलो बच्चों। अभी मैंने जस्ट पहले बताया है In fact, A vector cross B vector equal to minus of B vector cross A vector. Second point देखिए vector product is distributive. Vector product is distributive with respect to एडिशन देखते हैं
दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। क्या क्लियर है बच्चों? थर्ड पॉइंट देखिए, इफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, आर पैरेलल देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो बच्चों यहां पर क्या होगा, इफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू जीरो इन पार्टिकुलर ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू जीरो। कैसे बच्चों, हम यहां पर बोला है ए वेक्टर और बी वेक्टर यदि पैरेलल है, पैरेलल मींस आपका ए वेक्टर कुछ इस टाइप का होगा और बी वेक्टर भी इस टाइप का होगा, हेंस जो इनका एंगल होगा वो जीरो के इक्वल होगा। और आपने पढ़ा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन जीरो, ठीक है। और साइन जीरो आप एन कैप भी ले सकते हैं, साइन जीरो कितना होता है बच्चों, जीरो। तो हेंस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। क्या क्लियर है बोलो बेटा? यस। आप ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू तो जीरो आपको दिख गया होगा। नोट कर लो बेटा तीनों पॉइंट। नोट हो गया बच्चों? वन मिनट। बोलो बेटा नेक्स्ट देखें। प्रॉपर्टी नंबर फोर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर।
यूनिट वेक्टर, आई कैट कॉमा जे कैट कॉमा के कैट, देखते हैं कैसे। यदि बेटा आपसे आई कैप क्रॉस आई कैप बोला जाए तो इसका वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। क्या सारे बच्चों क्लियर है? जे कैप क्रॉस जे कैप इसका वैल्यू जीरो आएगा, के कैप क्रॉस के कैप इसका वैल्यू जीरो है। क्या बोलोगे, क्लियर बच्चों? बट यदि आपसे बोला जाए आई क्रॉस जे कैप देन इसका वैल्यू क्या आएगा, के कैप इक्वल टू माइनस ऑफ जे क्रॉस या जे कैप क्रॉस आई कैप। अब आपसे पूछा जाए जे कैप क्रॉस के कैप इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलो बच्चों, आई कैप इक्वल टू माइनस ऑफ के कैप क्रॉस जे कैप। हेंस आपसे पूछा जाए के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, जे कैप इक्वल टू माइनस ऑफ आई कैप प्लस जे कैप। क्या क्लियर है बच्चों, बोलो? यदि आप आई क्रॉस जे करेंगे तो आंसर आपका के आएगा, जे क्रॉस के करोगे आपका आंसर आई आएगा, और के क्रॉस आई करोगे आपका आंसर जे कैप आएगा। मतलब सर के क्रॉस आई इक्वल्स मैं, ओके अंडरस्टूड सर। क्लियर, यहां पर क्रॉस है बेटा। नोट कर लो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों। वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, जैसे आप ले लेते हैं लेट ए वेक्टर इक्वल टू ए वन आई कैप ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, बी वेक्टर इक्वल टू बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। बच्चों यहां से आपको यदि ए क्रॉस बी बोला गया, ए क्रॉस बी निकाल लोगे, अभी मैंने बताया भी है पहले, ऐसे करोगे आप आई कैप जे कैप के कैप, यहां पर ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री कर लोगे क्या बच्चों, बोलो। हेंस आई कैप आप इसको इसको हटाएंगे क्या आ जाएगा, ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू माइनस ऑफ जे कैप ए वन बी थ्री माइनस बी वन ए थ्री प्लस के कैप ए वन बी टू माइनस ए थ्री बी वन। क्या बात क्लियर है, बोलो बच्चों। बोलो बेटा क्लियर है? यस सर। अब आप नेक्स्ट देखें सर, वन मिनट सर। प्रॉपर्टी नंबर सिक्स, एंगल बिटवीन टू
टू वेक्टर्स। क्या करोगे बच्चों, इफ यदि थीटा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है तो आप क्या करोगे बच्चों, यहां पर साइन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट मॉड ऑफ बी वेक्टर। क्या बात क्लियर है, बोलो बच्चों। यस सर। पहले आप ए क्रॉस बी कर लोगे, उसका मॉड निकाल लोगे, देन आपको मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट मॉड ऑफ बी वेक्टर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यदि आपसे यूनिट वेक्टर बोले परपेंडिकुलर टू द प्लेन तो क्या करोगे, एन कैप इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस माइनस, क्योंकि आपका यूनिट वेक्टर कभी अपवर्ड भी हो सकता है कभी डाउनवर्ड भी हो सकता है, इसलिए आप यहां पर प्लस माइनस लगा सकते। क्लियर है बच्चों? यस सर। हमने आपको शायद बताया था, जैसे मान लो ए वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर क्या, सॉरी ए वेक्टर उसका ए कैप क्या हो जाएगा, तो मान लो ए कैप इक्वल टू क्या लिखते थे, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर ही लिखते थे, बोलो बच्चों। वैसे ही आप यहाँ पर लिखा हुआ है, अब यहाँ पर ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर प्लेन में यूनिट वेक्टर होगा, ये भी आपको क्या क्लियर है क्या? जैसे मान लो यहाँ पर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसका परपेंडिकुलर में यूनिट वेक्टर होगा एन कैप, और इनका क्या होगा, ए क्रॉस बी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। नोट हो गया बच्चों? यस सर। अब बच्चों कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अभी तक इतनी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ रखा है इसको, क्योंकि मेनली तो अपन लोग क्वेश्चन के लिए पढ़ते हैं, इसलिए क्वेश्चन देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रिंगल विद एडजेसेंट साइड, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रिंगल विद एडजेसेंट साइड्स डिटरमाइंड बाय वेक्टर, डिटरमाइंड बाय वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 20। Then the area of triangle, then the area of triangle with adjacent side, with adjacent side, sides determined by 2a vector plus 3b vector
एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज, आपसे ऑप्शन भी दिया हुआ, ए ऑप्शन 100, बी ऑप्शन 30, सी ऑप्शन 24, डी ऑप्शन 60। तो बच्चों यहां पर बोला क्या गया है, एरिया ऑफ द ट्रिंगल विद एडजेसेंट साइड डिटरमाइंड बाय वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 20, क्या क्लियर है? देन द एरिया ऑफ ट्रिंगल विद एडजेसेंट साइड ऑफ डिटरमाइंड 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर एंड a वेक्टर माइनस b वेक्टर। हमें आप बोला गया है एक ट्रिंगल हमने पहले बना लेते हैं, कुछ इस टाइप का ट्रिंगल दिया हुआ है a b c, यहां पर a वेक्टर और b वेक्टर, इसका जो एरिया दिया हुआ है क्या क्लियर है क्या आपको, क्या होता है हाफ ऑफ a क्रॉस b वेक्टर, उसका एरिया हमें कितना दिया 20 दिया हुआ है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का जो एरिया दिया हुआ है वो 20 दिया हुआ है, तो यहां से आपका मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू 40 आ जाएगा, क्लियर बच्चों? अब हमें पूछा गया है द एरिया ऑफ ट्रिंगल विद एडजेसेंट साइड, अब एक दूसरा एरिया है जिसके एडजेसेंट साइड क्या क्या है बच्चों, 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर a वेक्टर माइनस b वेक्टर, इसी ये एरिया हमसे पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा क्या बोलो, क्या करोगे, एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड ऑफ 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर माइनस b वेक्टर, क्या क्लियर है बेटा बोलो बच्चों, हाफ ऑफ, अब आप इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों, यहां से 2a का आप a वेक्टर में कराएंगे तो शायद जीरो आ जाएगा क्या, 2a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस 2a वेक्टर क्रॉस माइनस ऑफ b वेक्टर प्लस 3b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर माइनस ऑफ 3b वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। मैंने आपको शायद बताया है किसी प्रॉपर्टी में a क्रॉस a वेक्टर इक्वल टू जीरो, ऐसे b क्रॉस b वेक्टर इक्वल टू जीरो, क्या बता रखा है, क्या रहती है बोलो, तो यहाँ पर आपका ये जीरो हो जाएगा और ये भी आपका जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर फाइनली कितना बच रहा है बच्चों, हाफ ऑफ माइनस ऑफ 2a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस 3b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। अब आप यहां से आप क्या करोगे, b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर को क्या लिख दोगे, हाफ ऑफ माइनस ऑफ 2a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर माइनस 3a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर लिख दोगे क्या बोलो बच्चों, ये भी मैंने बता रखा है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल टू माइनस और b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, हमने यहां पर यूज कर लिया, तो यहां पर कितना आ गया 5 माइनस आ पाएगा, तो बट यहां पर मॉड लगा हुआ है, तो यहां से एरिया कितना आ गया बच्चों 5 बाई 2 a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, और a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर की वैल्यू हमको 40 दिए हुए है, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा 5 बाई 2 इंटू 40 आंसर 100, क्या बात क्लियर है बोलो बच्चों, यस सर, किसी को कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो पूछ सकता है, आपको थोड़ा सा लैंग्वेज समझ में आने लगेगी, धीरे धीरे आने लगेगी, ठीक है, अभी मैं मानता हूँ कि आपको थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जब आप एक से दो बार ऐसे ही क्वेश्चन करते रहोगे तो आपको क्लियर वो भी होने लगेगा।
नोट हो गया बच्चों? वन मिनट सर। बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। लेट यू वेक्टर इक्वल टू आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर कॉमा वी वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप। यहां पर यू वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, वी वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप एंड डब्ल्यू वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप। इफ एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर सच दैट यूनिट, यहां पर यूनिट लिख दो वेक्टर में, इफ एन कैप इज ए यूनिट सच दैट u वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू जीरो एंड v वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू जीरो, देन w वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू पूछा गया, ऑप्शन भी दे रखे हैं, a ऑप्शन थ्री, b ऑप्शन जीरो, c ऑप्शन वन एंड d ऑप्शन। तो बच्चों यहां पर क्या बोला गया है, पहले देखते हैं क्या यहां पर बोला गया है। साफ से बोला गया है यू वेक्टर डॉट एन कैप, यही बोला गया है क्या बच्चों? यू वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू जीरो एंड वी वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू, क्लियर है? बोलो बच्चों। यस। अब यहां से आपके लिए बोला गया है, यहां से आप क्या निकाल सकते हो क्या, एन वेक्टर इक्वल टू यू वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर निकाल सकते हो क्या? मान लेते हैं एन वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया, यू वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। तो बच्चों एन वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, यू वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर निकालना है हमें, आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर और के वेक्टर, आई कैप जे कैप के कैप। तो यहां पर आई कैप का कोएफिशिएंट कितना यू वेक्टर का, वन वन जीरो, और वी वेक्टर में कितना है, वन माइनस वन जीरो। तो यहां से बच्चों एन वेक्टर निकल आएगा क्या, बोलो बेटा? पहले हम एन वेक्टर तो निकाल ले, फिर एन कैप की बात में करेंगे, पहले हमें एन वेक्टर चाहिए क्योंकि यहाँ एन कैप पूछा गया और एन कैप हमें नोन नहीं है। तो एन वेक्टर निकाल ले, एन वेक्टर यहां से कितना आ जाएगा, आई कैप आई इंटू आई हटा दोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, जीरो माइनस जीरो माइनस जे कैप, ये भी जीरो माइनस जीरो आएगा, प्लस के कैप इसको हटाया माइनस वन माइनस वन। तो यहाँ से जो एन वेक्टर आ गया बच्चों कितना आ गया, माइनस का टू के कैप। तो एन कैप कितना आ गया, एन कैप इक्वल टू कितना आ गया, बोलो बेटा,
माइनस का के करें, क्या क्लियर है क्या? n वेक्टर सर वो वहां पे आपने n वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर इनटू v वेक्टर कैसे लिखा बेटा? हमें क्योंकि n वेक्टर चाहिए, n वेक्टर हमें चाहिए, ठीक है, क्लियर है? यहां पर n कैप दिया हुआ है, आप n वेक्टर आप u कैप v कैप ना लिख के आप u w लिखो, वहां से भी तो n वेक्टर आ जाएगा, समझ आया? बोलो बेटा। मतलब सर आपने वो इन तीनों के बीच में रिलेशन मतलब कैसे अज्यूम कर लिया आपने n वेक्टर u और v वेक्टर के? यहां पर आपको बेटा v u वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू 0 दिया है एंड v वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे यहां पर दोनों में डॉट प्रोडक्ट n कैप दिया हुआ है और आपको n कैप पता नहीं है, क्लियर है? n कैप या कैप पता है क्या आपको? नहीं पता है। बट हमें यदि u वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू 0 और 0 इक्वल टू v वेक्टर डॉट n कैप, तो यहां से आप क्या करोगे u वेक्टर डॉट n कैप माइनस ऑफ v वेक्टर डॉट n कैप, यहां से n कैप आप कॉमन ले लो, तो u वेक्टर माइनस v वेक्टर इक्वल टू 0, ऐसा कुछ बन जाएगा क्या? बोलो बेटा। यस सर। यदि ऐसा आपको बन रहा है तो हमें n कैप पता नहीं है, तो जैसे आप यहाँ पर u माइनस वी बन रहा है, यदि यहाँ पर u माइनस वी बन रहा है तो आप n वेक्टर क्या लिखोगे? u वेक्टर डॉट v वेक्टर लिखोगे। यदि यहाँ पर आपसे बन रहा होगा n कैप u वेक्टर माइनस w वेक्टर बन जाएगा, तो यहाँ से n वेक्टर क्या लिख लोगे आप? बोलो बेटा। u वेक्टर क्रॉस w वेक्टर क्रॉस w वेक्टर, ठीक है। सर ये लास्ट स्टेप समझाओ ना वापस से सर, u into n वेक्टर वाला इक्वल 0 से। अच्छा यहां पर बेटा u वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू 0 इक्वल टू v वेक्टर डॉट n कैप, ठीक है, तो यहां पर क्या करोगे आप u वेक्टर डॉट n कैप माइनस v वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू 0 कर लोगे यहां से, क्लियर है? बोलो। अब यहां से n कैप डॉट u वेक्टर माइनस v वेक्टर आ गया, और बेटा जो भी n कैप से रिलेशन में आएगा n कैप डॉट u माइनस v यहां पर आ रहा है, तो आपका जो n वेक्टर होगा वो u क्रॉस v वेक्टर होगा। यदि यहां से u माइनस w वेक्टर आ रहा होता तब क्या करते? बोलो बेटा, u क्रॉस w वेक्टर कर देते, क्लियर है? या v माइनस w आ रहा होता तो यहां पर n कैप कैसे लिखते, सॉरी n वेक्टर कैसे लिखते? v वेक्टर क्रॉस w इक्वल्स w है सर, कहां पर? नहीं, बी इक्वल टू डब्ल्यू नहीं है बेटा, वो आपने चेंज कैसे किया सर? यू नहीं डब्ल्यू मतलब मैं बता रहा हूं कि आप यहां पर ऐसा कुछ आ जाएगा तो आपको क्या लिखोगे? एन वेक्टर इक्वल टू यू वेक्टर क्रॉस डब्ल्यू वेक्टर, ठीक है, ये सपोज कभी ऐसा आ जाए, क्लियर है? और मैंने चेंज नहीं किया उसको, नहीं समझ में आया क्या? ये वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है, जैसे आपसे बोला जाए n कैप डॉट x वेक्टर माइनस y वेक्टर इक्वल टू 0, आपसे ऐसा कुछ बोल दिया जाए तो यहां से यदि n वेक्टर आपको चाहिए तो क्या करोगे? x वेक्टर क्रॉस y वेक्टर, ठीक है, n वेक्टर आ गया, और जब n वेक्टर आ गया तो आप n कैप निकाल सकते हो, क्या जाएगा? n वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ, क्या क्लियर है? बोलो बोलो बेटा। यस सर। यस अब क्या यहां पर क्या कर? अच्छा हमें n कैप पता चल गया, अब n कैप पता चल गया, अब इसके बाद हमें पूछा क्या गया है? w वेक्टर डॉट n कैप क्या निकाल लोगे क्या भैया? सिंपली w वेक्टर डॉट n कैप पूछा गया है, n कैप w वेक्टर कितना है आपका? i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और यहां पर डॉट प्रोडक्ट डॉट n कैप कितना है? माइनस ऑफ k वेक्टर, सॉरी k कैप। तो आप क्या करोगे यहां से i डॉट j करोगे 0 आ जाएगा, j डॉट i करोगे 0 आ जाएगा, k डॉट k क्या 1 हो जाएगा, और 3 into 1 3 आ जाएगा, मॉड ऑफ 3, यहां से आंसर कितना आ गया आपका? क्या बात क्लियर है? बोलो बच्चों।
यस सर। बोलो आज तक के लेक्चर में कोई डाउट है क्या किसी को?